नमस्ते, आप सभी को स्वागत है आपके मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग है कुछ इस तरीके से कि हम जा रहे हैं मंदिर। आज है आठवां नवरात्रा। मैंने सोचा था मैं डायरेक्ट नवमी के दिन बनाऊंगी, लेकिन आज हमारा मंदिर जाने का हो गया तो आज मैंने ब्लॉग बना लिया। हम जा रहे हैं शीतला माता मंदिर। बन रहे हैं यहाँ पे मंदिर के लिए गुलगुले बनेंगे इससे, और ये कुछ इस तरीके से बन रहा है तवे में। टिकड़ा इसको बोलते हैं, टिकड़ा। ये हम वहाँ जाएंगे शीतला माता मंदिर, तो वहाँ ऐसे ही ले जाया जाता है, और दूसरा वहाँ ले जाते हैं ऐसे दाल चावल, और ऐसे सात दाल को मिक्स करके जिसको बोलते हैं सतनाजा, और ये ऐसे बनता है। ये तीन बनते हैं, जिसको नहीं पता है वो शीतला माता जब जाएं तो ऐसे ले जाएं, वहाँ ऐसे ही ले जाया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर सबको ही पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होगा उनको पता चल जाएगा। इससे बनेंगे गुलगुले, और ऐसे चावल भिगो के रख देने मॉर्निंग से। इसकी पिठाई बनती है वहाँ, इसी की पिठाई को लगाया जाता है, वैसे पिठाइयाँ नहीं। ये ऐसे ये भी ले जाया जाता है, ये हैं भट्ट, इनको गरम करके। इसमें आप घी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यही था तो हम इसी से कर रहे हैं। तो इसको ऐसे थोड़ा सा गरम गरम करके भी ले जाया जाएगा। सब चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, अब बस इसको यहाँ रखना है, थैली में रख लेंगे फटाफट। और अब हम जा रहे हैं मंदिर, हो चुके हैं हम तैयार, अब जाएंगे मंदिर। अभी हम आधे रास्ते में आ चुके हैं, अब देखते हैं मंदिर में कितनी भीड़ होती है कितनी नहीं होती है। तो मिलती हूँ मैं आपको डायरेक्ट मंदिर पहुँच के। पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। पूजा करने के बाद देखिए, से पहले अंदर होती है पूजा, फिर यहाँ पे आके माता मंदिर में थोड़ी अलग तरीके से होती है पूजा, जो कि हमने आपको बता ही लिया क्या क्या चीज़ इसमें यूज होती हैं। दाल चावल वगैरह डाल के हो चुकी है हमारी पूजा वगैरह पूरी। अब मैं आपको पूरा मंदिर दिखा देती हूँ एक बार, अंदर में ज़्यादा दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत सारी भीड़ थी वहाँ लगी हुई। अब मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ बाहर कुछ इस तरीके से दाल चावल वगैरह ये जो जो भी लाया रहता है घर से बना के यहाँ डाला जाता है, अंदर चढ़ाए जाते हैं गुलगुले, जो प्रसाद वगैरह होता है फ्रूट्स वगैरह यहाँ भी, फिर यहाँ पे होती है पूजा। यहाँ कुछ इस तरीके से होती है, थोड़ा अलग मंदिर के अकॉर्डिंग। यहाँ दाल चावल ऐसे इन चीज़ों का ज़्यादा रहता है, जैसे यहाँ पे भी इनको दिया जाता है दाल चावल। यहाँ पे लोग कन्याएं भी यहीं पे, कन्याओं को भी यहीं पे खिला रहे हैं। कोई कोई लोग करते हैं कन्याओं को यहीं पे खिला लेते हैं मंदिर में अष्टमी नवमी में, तो ऐसे कुछ यहाँ पे हो रहा है। बाहर पे मैं दिखाती हूँ बाहर पे कहाँ कहाँ पे होती है।
किस तरीके से दाल चावल डाला जाता है। दाल चावल ही डालते हैं ना। बेबी ये है गाय माता, देखिए चुके हैं हम दर्शन करके, फिर चल दिए हैं हम अपने घर की तरफ। देखो यहाँ पे धूप तब नहीं दिख रहा, यहाँ पे दिखेगा अच्छे से। आज भीड़ नहीं थी, वरना बहुत भीड़ होती है। आज अष्टमी है तो कई लोगों की आज पूजा होती है घरों में, इस वजह से नहीं है, पर भीड़ बहुत होती है यहाँ। आज नहीं है अष्टमी की वजह से, तो हम आ गए दर्शन करके घर। अब चलते हैं घर। पहुँच चुके हैं हम घर और अब कर लेते हैं हम अपना काम। तो मैं सोच रही हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि ऐसे नॉर्मल सा घर का रूटीन तो क्या ही दिखाना है। तो करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा टेक केयर।